हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, होप यू आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, अगर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये टाइम है मॉर्निंग का और यहाँ पे साफ सफाई हो रही है। आज मैं धुलाई फुलाई कर रही हूँ, तो फिलहाल तो इस टाइम डेली का ये काम हो गया। डेली साफ सफाई करनी पड़ती है और फिर से मतलब डेली ऐसा ही मतलब घर हो जाता है। जब ज़्यादा बड़े घर होते हैं तो फिर उनमें सफाई तो इतनी ज़्यादा होती रहती है, आप दिन भर लगे रहो लेकिन फिर भी उस तरीके से आप क्लीन नहीं कर सकते। तो मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि सिस्टर आ चुकी है और हमारे यहाँ पे हल्दी की लगन भी हो चुकी, मतलब बन चुकी है हल्दी वाली लगन। सो उसके बाद का फंक्शन नेक्स्ट डे मतलब गैप था और उसके अगले दिन ही मतलब दूसरा फंक्शन होने वाला था। तो उसकी तैयारी के लिए मतलब बीच में एक दिन मिला था, मुझे जाना था मार्केट, थोड़ा सा मतलब शॉपिंग वगैरह करनी थी। और सोचा था एक दिन जब ये खाली मिल रहा है तो थोड़े से भगवान के भी दर्शन कर लें। मतलब शादी हमारे यहाँ पे अच्छी अच्छी सी भगवान मतलब, तो इसीलिए फटाफट से सफाई वगैरह कर रही थी और सोच रही थी कि भगवान के दर्शन आज मंदिर में जाएंगे भोले बाबा के पास। तो इसी और भोले बाबा के बगैर तो सारे फंक्शन ही बेकार हैं। मतलब उनसे भी उनको भी न्योता दे के आएंगे शादी का और बोल के आएंगे बाबा सब अच्छा अच्छा करिएगा हमारे घर पे, अच्छी अच्छी से हमारी नवैया पार करिएगा, क्योंकि भगवान के दर्शन और दुआ के बगैर तो सारा कुछ मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा लगा। मैं तो जन्म से संदादी है। सभी
शिवाय नमस्ते। भोले बाबा के दर्शन करेंगे तो बोल रहे हर हर महादेव। घंटी रख दो या घंटी घंटी रख के आ जाके जाओ। फाइनली हो गई मेरी पूजा और अभी हम लोग घर को निकल रहे हैं सब लोग। हमने तो रोज रखी है नहीं सकते फैमिली। पता है रात का 1 बजे का ये टाइम होगा, 1:10 का टाइम है और हमारे यहाँ पे देखो चाय पीना है मुझे, तो यहाँ पे चाय बना रही है दीपाली। कितने टाइम हुआ है पता है तुम्हें? बताओ। लगभग एक लगभग नहीं, 1:10 हो गया रात का। हम अब तो भैया का दूध लेने आए थे, तुम्हें चाय पीनी थी, हमने चलो बना के दे देते हैं। चलो मन गई लेके आ रहे। सो पता है अभी हम रात को हम लोग मतलब हम सारी सिस्टर लोग बस ऐसे डिस्कस कर रहे थे, बातों में लगे थे, क्योंकि जब अपने सभी लोग मिलते हैं तो फिर बातें तो होती हैं, खुशी की भी होती है रोने की भी होती है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जो हम लोग एक दूसरे शेयर कर रहे थे और उन बातों में एक दूसरे की मतलब फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा हम लोग रोए भी हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग खुश भी हुए हैं। तो वो सारे मतलब डिस्कशन करते 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 रात के 1 बज गया और अभी ये अपने बाबू के लिए दूध लेने आई थी तो फिर मुझे पीनी थी चाय, मैंने बोल दिया कि चाय बना लोगी, तो फिर क्या है मतलब सर्दियों के दिन हो और थोड़ी सी डिस्कशन चल रही हो फिर चाय मिल जाए रात को। और संध्या बोल रही है अभी तो नींद ही भगानी है तुमको, तो मतलब पूरी रात ज़्यादा बन गई थोड़ी है। बेटा लेता है, बेटा सो रही है। तो देखो ये रहा टाइम, देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में आप लोग को दिखा रही हूँ। फोन फोन में थोड़ा देखो ना, घड़ी में दिख रही नहीं दिख रही इसमें, हाँ दिख रही साफ दिख रहा ठीक है। 1:10 बता रही थी, 1:05 ही है। देखो यहाँ पे सबकी नींद हो रही है, सभी लोग सो रहे हैं। ये बाबू के लिए दूध लेके आई थी और ये मेरे बिस्तर। 1:10 नहीं 11 हो चुका, 1:11 हो चुका। और देखो हम सभी के बिस्तर लगे हुए हैं और हम सभी लोग लेटे हैं, मेरी चाय रात के 1 बजे चाय, तो आप लोग भी शेयर करिए मेरे साथ चाय। निशांत का अगर रात में जगा दो तो पी लेंगे उठ के, क्योंकि चाय की शौकीन है। लेकिन गेट पर इधर खुले हैं बेटा, गेट खोलो बाहर से, खोल दे। आई हम जानते तो जाए तुम करे, हमने कहा खोल दे, आई बोल ले ऐसे पर बोल दो रा ले जाए चाय पियो है, बोतल भर के लगा दो, दिन बत्ती लगाएंगे ले ले पी लो, थोड़ी है थोड़ी ले निशान, तुम्हारे लिए बनी है ले, बहुत अच्छी बनी, ले पी के देखो नहीं ले, हम ऊपर रखे थे। चलो बेटा
आजा एक ग्लास एक्स्ट्रा हो गई किसी को पीनी हो आजा उठाओ इन्हें बेटा ले चाय पियो पी लो ले उठो ना बेटा चाय ले लो डेढ़ बजो पी लो चाय उठ के अरे उठाओ अब हम भी पी लें चाय जो कि डिमांडिंग चाय थी मेरी तरफ से मैंने ही इसकी डिमांड की थी स्पेशली चाय इलायची वाली चाय इलायची वाली चाय पीने की रात मतलब यार दिन में पियो रात में चाय पीने का मजा ही और होता है।